हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ ओम फ्रॉम इटकल मंत्रा। एक क्विक अपडेट मैं आपको दे दूँ इस वीडियो के माध्यम से। जो नीट यूजी 2021 के फिजिक्स क्वेश्चन पेपर में जो एक क्वेश्चन में जो डिस्क्रिपेंसी थी, जो कि हिंदी और इंग्लिश की जो उसके ट्रांसलेशन में जो डिस्क्रिपेंसी थी, वो मामला कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में था, और 30 नवंबर को उस पर फैसला आने वाला था, जो कि फैसला आ चुका है। और गाइज, लेट मी टेल यू, हार्ड लक, ये फैसला आपके फेवर में, कैंडिडेट्स के फेवर में नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल ही खारिज कर दिया, इस प्ली को, इस मैटर को। और अभी कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलने वाला है, किसी प्रकार की कोई इफ्स एंड बट्स अब नहीं रह गई है उसमें। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जो स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हालांकि अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, लेकिन जो बार एंड बेंच एक रिलायबल सोर्स है, उनके ट्वीट के माध्यम से मैं यदि आपको बताऊँ तो उस पर ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दिस इज़ बियॉन्ड द रेमिट ऑफ द कोर्ट टू कंडक्ट सच एन एक्सरसाइज। NTA हैज वाइल रिप्लाइंग हैज सेड दैट द मैटर इज स्क्रूटिनाइज अगेन by 3 subject experts, thus we cannot substitute our own view, particularly in area of physics. Supreme Court ये कहती है कि area of physics में, physics के मामले में हम अपना view नहीं कर सकते। NTA ने जो तीन जो स्पेशलिस्ट, जो एक्सपर्ट्स की जो कमेटी बनाई थी, उनके फैसले के हिसाब से ये है, उनकी जो फाइंडिंग है, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सब सही है, इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले, जैसा आपको पता है कि तुषार मेहता जो सोलिसिटर जनरल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने बोला है कि कोर्ट में बोला है कि वी हैड कॉन्स्टिट्यूटेड द कमिटी ऑफ 3 एक्सपर्ट्स, वन फ्रॉम IIT गुवाहाटी, वन फ्रॉम IIT दिल्ली एंड अनदर एक्सपर्ट। तीन एक्सपर्ट की कमेटी बनाई गई थी तुषार मेहता जी के हिसाब से। IIT गुवाहाटी के एक्सपर्ट थे, IIT दिल्ली के एक्सपर्ट थे, और एक और एक्सपर्ट थे। और उनकी जो फाइंडिंग है, वो ये कहते हैं कि ऑल थ्री कंकर्ड दैट वेदर वी टेक इंग्लिश और हिंदी, द आंसर रिमेंस द सेम। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो NTA के, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं NTA के, तुषार मेहता साहब, उनकी ये दलील थी सुप्रीम कोर्ट में। और उसमें ये कहा गया है कि कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। सो उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एरिया ऑफ फिजिक्स में वो अपनी कोई व्यू नहीं दे सकते, उनकी कोई वो नहीं है, हमें NTA की बात को स्वीकार करनी पड़ेगी, और उसके हिसाब से, उसी के हिसाब से जो रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, उसके बेसिस पे ही काउंसलिंग आगे करवाई जाएगी। सो नाउ गाइज, नो इफ्स एंड बट, हार्ड लक, नो ग्रेस मार्क्स, सो नाउ गेट रेडी फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस, यू नो। सो दैट्स इट फ्रॉम नाउ फ्रॉम मेडिकल मंत्रा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।